पीलीभीत में आज राज्य महिला आयोग की सदस्य शशिबाला भारती ने आशा ज्योति केंद्र वन स्टॉप सेंटर पीलीभीत पहुंचकर जनसुनवाई व विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जहां महिला उत्पीड़न की घटनाओं की समीक्षा की गई, तो वहीं पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनकर कई मामलों का निस्तारण किया। आयोग के सदस्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार व राज्य महिला आयोग महिला उत्पीड़न को लेकर काफी गंभीर है। जो महिलाएं थाने या अन्य जगह अपनी समस्या लेकर नहीं जा पा रही हैं, तो वह आयोग की व्हाट्सएप नंबर 6306511708 पे अपनी एप्लीकेशन व आधार नंबर को भेज दे। आयोग लखनऊ से बैठकर ही कार्रवाई को अंजाम देगा। तो कोई मामला ऐसा नहीं है, पर शुरू से मामला महिला के प्रति रहा है और उनका उत्पीड़न जो हो रहा है वो हम लोग चाहते हैं, आयोग चाहता है, सरकार भी चाहती है कि उत्पीड़न खत्म हो, और उसको खत्म करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमेशा हर जगह महिलाएं हैं, हमारी जो सदस्य हैं सब जा रही हैं, समस्याएं सुन रही हैं, उसका निस्तारण कर रहे हैं, और हमारे एक अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हमने महिलाओं की समस्याओं को कम करने के लिए, या ये वो कहिए कि वो लोग सब हम तक पहुँच नहीं पाती हैं, तो एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर के जरिए हम लोग उनसे ये कहते हैं कि आप अगर वहाँ नहीं आ पाते हैं, हम तक नहीं आ पाते हैं, तो उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी एप्लीकेशन को, और उसके साथ एक आधार कार्ड की कॉपी हो, और उस एप्लीकेशन में आप अपने गांव का नाम, थाने का नाम स्पष्ट रख लिख देंगी, तो वह हम तक पहुंच जाएगा और हम वहीं से लखनऊ से ही बैठ कर उसकी कार्रवाई कर लेंगे। और आजकल जो घरेलू हिंसाएं हो रही हैं उन्हीं के उसके लिए हमने किया कि महिलाएं हम तक नहीं आ पाती हैं किसी कारणवश, तो वो इस तरह से आ सकती हैं। और जो हम लोग आते हैं क्षेत्र में जाते हैं और महिलाएं आती हैं, तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उनके सारे जो समस्याएं उनका निस्तारण हो, जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको उनसे कहते हैं, और सब होते भी हैं। आज आपने सुनी कुछ समस्याएं, कुछ निस्तारण निकल गया है? निस्तारण आज कम से कम 7-8 समस्याएं सुनी है, निस्तारण हुआ है, और जो तुरंत जो नहीं हो पाते हैं उसके लिए आप संबंधित अधिकारियों से कहते हैं, वो लोग कर देते हैं। जैसे मामला ऐसा मामला आया कि किसी का कहना था कि बच्चों के बयान नहीं करवा रही है पुलिस काफी टाइम से, तो उसमें कुछ आपने पुलिस को उसको मैंने अभी पुलिस अधीक्षक जी को लिखा है कि आप इनका बयान लिखवा लें, करवा लें, लेकिन कार्रवाई भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई भटक रहा है, पुलिस कार्रवाई होगी, देखिए कार्रवाई होगी, जो जो पुलिस जिसको बयान करवाना थे उन्होंने बयान नहीं करवाया, तो इसके लिए कोई एक्शन लेंगी? नहीं, एक्शन तो ये लिया हमने, पुलिस एसपी साहब को लिखा है कि आप इस पर एक्शन लीजिए और उसके बयान लीजिए इसका। एक्चुअली उसमें दो काम एक साथ आ गए हैं, एक तो बच्चों का भी है, उसमें जमीन जायदाद का भी मामला आ गया है, तो उसमें जरा सा कंफ्यूजन सा हो जा रहा है, पर उसको हमने एसपी साहब से कह दिया कि वो इस पर बयान ले लेंगे, किसी से बयान के लिए कह दें, वो उन सब बच्चों का बयान ले ले, तो फिर स्पष्ट हो जाएगा क्या बात सही क्या गलत है। हम तो